हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर टैली प्राइम ओपन है। अब दिक्कत कभी कभी क्या होती है कि जब हम जीएसटी लगाते हैं तो हमारा जीएसटी सब कुछ सही होने के बावजूद भी कैलकुलेट नहीं होता। सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ सही कर लिया और फिर भी वो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में हम परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं कैलकुलेट होता है, आइए एक बार समझते हैं। यहाँ से बाउचर में वी प्रेस करके हम आ जाते हैं बाउचर में, और यहाँ से मैं परचेज बाउचर चूज कर लेता हूँ। तो ये परचेज बाउचर में आ गया। यहाँ पे बाउचर टाइप मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो परचेज बाउचर चूज कर लिया। यहाँ पर डाल दिया सप्लायर का इन्वॉइस नंबर। यहाँ पर आए, वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। यहाँ पर नया क्रेडिटर पार्टी बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नाम फातिमा, और यहाँ सी लिख देता हूँ क्रेडिटर पार्टी के लिए, ताकि पहचान होती रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी ही है। ये आ गए, एंटर किया और एंटर करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कराना है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप को मैंने रेगुलर नहीं रखा, ठीक है, इसको कर दिया अनरजिस्टर्ड। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप को मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया है। सारे जीएसटी के लेजर पहले ही मैंने बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराया, एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आता है, आप तो जानते ही हैं। और यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम है जिनको हम परचेज करेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर है, तो इसको दो पैकेट है, तो यहाँ पर मैं न्यू कॉलोनी गोडाउन में 100 पैकेट डाल देता हूँ। तो ये डाल दिया, 40 रुपए का एक पैकेट है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लगाना है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी लगा देते हैं। सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, जबकि सब कुछ ओके है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से अगर मैं F11 की प्रेस करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि जीएसटी ऑप्शन चालू है, ये चालू है, ठीक है। यहां पे रेगुलर रखा है रजिस्ट्रेशन टाइप, और सारी की सारी चीजें ओके हैं एकदम, ठीक है। यहां पे क्वार्टरली जीएसटी फाइल हो रहा है, आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। यहां पर वाई प्रेस कर दीजिएगा, वाई प्रेस करके एंटर करिएगा, सारा कुछ एकदम सही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा दिए। एक बार फिर चलते हैं वापिस से परचेज वाउचर में, फिर वही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वही एंट्री जो अभी हमने किया था। तो यहाँ पे फातिमा नाम से हमने बनाया था क्रेडिटर पार्टी, ये लगा दिया, एंटर किया, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराया, परचेज अकाउंट का लेजर लगाया। यहाँ से बात करते हैं वापस से रेड चिली पाउडर की, तो यहाँ पे न्यू कॉलोनी गोडाउन में डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, ठीक है, 60 पैकेट डाल देते हैं। ये डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पर आएंगे सीजीएसटी लगाते हैं, कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ तो सही है, तो फिर कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है, सवाल यहाँ पर। कल जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो किसी बच्ची ने कहा था कि सर वहां पर आपको अनरजिस्टर्ड रखना चाहिए क्योंकि ये नाम है। देखिए क्रेडिटर पार्टी नाम भी हो सकती है, और क्रेडिटर पार्टी जो है दुकान का नाम, आप दुकान के नाम के बजाय क्रेडिटर पार्टी का नाम डाल दीजिए, बात तो वही है ना। तो ऐसा नहीं है, क्रेडिटर पार्टी को आपको रेगुलर रखना है, ठीक है, रेगुलर रखिएगा तभी कैलकुलेट होगा जीएसटी, नहीं तो नहीं कैलकुलेट होगा। तो जैसे ही हम क्रेडिटर पार्टी के लेजर को अल्टर करते हैं, जैसे यहां पर आए, यहां पे अल्टर करते हैं क्रेडिटर पार्टी के लेजर को अल्टर करते हैं, तो ये आ गए। और फिर यहां से लेजर पे चले, लेजर पे आने के बाद फातिमा के नाम से था, तो ये एफ प्रेस करता हूं, ये आ गया फातिमा के नाम से। अब यहां पर आकर के हमें ये जो अनरजिस्टर्ड कर दिया जीएसटी आईएन टाइप अनरजिस्टर्ड कर दिया, इसको हमें रेगुलर करना है। अब ये हो सकता है कि आप नाम देना चाहते हो अपने दुकान के नाम से, तो यहां पर फातिमा होलसेलर या इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप, लेकिन आप इसको अनरजिस्टर्ड नहीं रख सकते। अनरजिस्टर्ड रखेंगे तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंटर किया, एक्सेप्ट कराया। अब देखते हैं यही एंट्री जो हम पास कर रहे थे वो एंट्री पास होती है या नहीं। जीएसटी ऑप्शन चालू ही है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे लेजर लगा लेते हैं फातिमा क्रेडिटर पार्टी, और एंटर करते हुए यहाँ पर आ गए, और एंटर करते हुए यहाँ पर आ गए, परचेज अकाउंट का लेजर लगा लिया। यहाँ पर रेड चिली पाउडर था, वही आइटम लेते हैं स्टॉक आइटम, और यहाँ पे न्यू कॉलोनी गोडाउन ही लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए न्यू कॉलोनी गोडाउन आ रहा है, इसी को मैं लेता हूँ, और 100 पैकेट यहाँ पे रखवा देते हैं। तो 100 पैकेट कर लिया हमने, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे सीजीएसटी। तो अब देखिए जैसे ही सीजीएसटी लगाया तो सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया, एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट हो गया। यहीं पर दिक्कत है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ कैसा प्रिंट आउट आया है। तो यहाँ नीचे वाला सबसे 12 नंबर का बिल है हमारा, तो ये देखिए, ये अल्ट पी करके प्रिंट आउट दिखा देता हूँ, आई बटन प्रेस किया, ये आपका प्रिंट आउट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि कहाँ गलती आप करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।